नवी मुंबई नेटवर्क। कहते हैं कि बदलाव हो सकता है अगर इरादे देखो, हालात बदल सकते हैं अगर हौसले और जोशीले जज्बातों में दम हो। तुर्बे प्रभाग क्रमांक 71 का काया पलट कर विकास के एक नए रोल मॉडल में तब्दील करने के अपने लक्ष्य को साकार करते हुए तुर्बे प्रभाग क्रमांक 71 हनुमान नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित मेड़कर नवी मुंबई में एक अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ आ चुके हैं। पहाड़ी इलाके और ऊंचाई में बसे हनुमान नगर में कचरे की समस्या का हमेशा हमेशा के लिए निराकरण करने के मकसद के साथ हनुमान नगर में नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से नवी मुंबई मनपा विकेंद्रित कचरा प्रक्रिया केंद्र की शुरुआत कर अमित मेड़कर ने नवी मुंबई के सम्मुख एक आदर्श स्थापित किया है। हनुमान नगर के हजारों घरों तक जब घंटा गाड़ी पहुंचने में असमर्थ है तो ऐसे में तकरीबन 2200 घरों में डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए यह 8 महिलाएं तैनात की गई हैं, जिनके माध्यम से कचरों का कंपोस्ट कर उससे खाद बनाने का अतुलनीय कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। एक युवा सोच का परिचय देते हुए अमित मेड़कर के प्रयत्नों से सिर्फ कचरों से खाद बनाना ही नहीं बल्कि इस खाद को बेचकर खेती और उत्पन्न कमाकर इस योजना को अंजाम देने वाली महिलाओं को मुहैया करवाना भी है। अमित मेड़कर ने न केवल इस प्रकल्प के जरिए अपने ही प्रभाग की महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाया बल्कि गणेश नायक के वचनों को साकार करते हुए स्थानीय नागरिकों को रोजगार में प्राथमिकता दी। इतना ही नहीं, इन महिलाओं के बच्चे शिक्षित हो पाए इसका भी नियोजन उन्होंने कर दिखाया। इस प्रकल्प को साकार करने के पीछे का मकसद बताते हुए अमित मेड़कर ने बताया कि इसके पीछे उनकी 3 संकल्पना है। ये करीब करीब 50 साल पुराना प्रभाग है, यहाँ पर लोग गए 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रभाग है इसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी गलियाँ हैं, एक ही रास्ता है जो नाके से लेके अंदर मौली मित्र मंडल तक जो रास्ता जाता है, बाकी जितनी भी सारी गलियाँ हैं वो सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं। उन गलियों में कोई भी गाड़ी जाना, किसी तरह का डस्टबिन वगैरह जाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इस सारी चीज़ों को लेके जो दिन बे दिन का जो कचरा लोगों के घर में जमा होता है वो कचरा कलेक्शन करने के लिए कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट को बहुत ही दिक्कत आती थी, तो हल निकालने के लिए ये संकल्पना मैंने ली कि क्यों ना हम हमारे यहाँ के जो फीमेल्स हैं उनके माध्यम से हर घर घर में जाके उनके घर दो ये 2200 घर में जाके उनका जो कचरा है वो कलेक्ट करेंगे और वही कचरा यहाँ पर लाके क्यों ना एक कंपोस्ट यहाँ पर तैयार किया जाए। उस कंपोस्ट पिट में यहाँ के हमारी जो ये महिला होगी वो जो भी ये कचरा उसको सेग्रीगेट करेगी, सेग्रीगेट करने के बाद वो जो कचरे का आगे जो खत बनाने के लिए भी यूज़ आ जाएगा और जो सूखा कचरा है उसको बेच के उनको भी उससे कुछ उत्पन्न उनको वहाँ पर इनकम उनको सोर्स वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी संकल्पना के साथ ये मैंने विचार रखा था और कॉरपोरेशन के माध्यम से ये प्रकल्प यहाँ पर आज किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गणेश नायक की संकल्पना को साकार करते हुए ये प्रकल्प नवी मुंबई में एक उम्दा रोल मॉडल बनकर साबित होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा रोल मॉडल नई मुंबई के लेवल पे होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि एक यंग एजुकेटेड प्रतिनिधि होने की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ प्रभाग के लिए मैं कुछ इनोवेटिव करने का सोचता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट को लेके बाकी के लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले और वो भी अपने विभाग में ऐसा कार्य करते रहे। अमित मेड़कर ने जनता को आह्वान करते हुए उन्हें अपील की कि वे सूखा गीला कचरा अलग कर इस अनोखे कॉन्सेप्ट को साकार करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान दें और प्रभाग को स्वच्छ रखने के उनके मकसद को कामयाब करवाएं। मैं लोगों में आपके माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं कि
ये जो सुविधा है ये आपके भले के लिए की जा रही है। आप लोगों को जो दिक्कत आज तक जो कचरा डालने के लिए हो रही थी उसको दूर करने के लिए की जा रही है। मेरी आपके माध्यम से हमारे प्रभाग के तमाम नागरिकों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो महिला आपके घर तक आ रही है वो पूरा पहाड़ चढ़ के आप तक आती है आपका कचरा कल जमा करने के लिए, आपसे लेने के लिए। तो मेरे सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ही के घर में गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग करके रखिए ताकि उनको यहाँ पर आके और उसको छाटने की ज़रूरत ना पड़े और उनका जो लोड हो कम हो जाए। हम अपने घर में ही एक ये आदत बना दें कि हमारे घर पे जो भी कचरा होगा उसको हम गीला कचरा और सूखा कचरा को हम अलग से उसका विभागीकरण करके रखेंगे ताकि ये महिला आके कलेक्ट करेगी, यहाँ पर आके उस पर सीधा प्रक्रिया करेगी और उनका काम भी आसान होगा। उन्होंने आगे बताया कि गीले कचरे से खाद वही सूखे कचरे को बेचकर उत्पन्न का सारा हिस्सा इस प्रकल्प में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की शिक्षा में खर्च करने का उन्होंने नियोजन बनाया है। सबसे बड़ी खासियत ये कि हमारे यहाँ पर इस प्रकल्प में काम करने वाले जो 8 महिला है वो यहाँ की लोकल महिला जो यहाँ पर रहती है तो उनको यहाँ पर रोजगार दिया गया है और वही महिला हमारी इस परिसर को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, परिसर की पूरी जानकारी उन्हें, तो इससे फ़ायदा हुआ कि कोई भी गली यहाँ पर बसती नहीं, वो हर घर तक पहुँचते हैं और लोगों का कचरा जमा करते हैं और यहाँ पर लाके उसका प्रक्रिया करते हैं, तो उनको यहाँ पर जॉब क्रिएशन भी हो गया है। बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें ये है कि इसमें जो सूखा कचरा जो भी जमा होता है जिसमें प्लास्टिक हो, पेपर हो, ये सारी जो चीज़ें ये इनको सेल करके इससे जो कुछ भी उत्पन्न ये जो मंडल को आता है वो उससे ये सारे 8 महिलाओं का जो भी उनके जो बच्चे उनके एजुकेशन के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है, ये बताने में मुझे आपको बहुत खुशी हो रही है। जो यहाँ पर जो गीला कचरा है वो गीला कचरा के ऊपर यहाँ पर जो प्रक्रिया की जाती है, प्रक्रिया करने के बाद जो 45 डेज के बाद में जो खत यहाँ पर तैयार होता है वो खत भी आगे जाके एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ये जो खत है वहाँ पर यूज़ होता है तो वो उससे भी उनको एक उत्पन्न यहाँ पर तैयार होता है। गणेश नायक के विकास मॉडल को साकार करते हुए अमित मेड़कर ने अपने प्रभाग में नवी मुंबई के एकमात्र प्रकल्प को खड़ा कर दिखा दिया कि युवा जोश और जज्बा है तो कायापलट होना नामुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।